ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। देर रात मुंबई के मानखुर्द इलाके में दो गुटों में जमकर संघर्ष हुआ, जिसके बाद तकरीबन 30 से 40 अज्ञात लोगों ने हंगामा करते हुए कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। देर रात हुई इस घटना के बाद पूरे मानखुर्द इलाके में सोमवार सुबह से धारा 144 लगा दी गई है। यहां एक साथ 4 से ज्यादा लोगों के खड़े होने पर मनाई है। इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक रविवार देर रात करीब 10 बजे मानखुर्द इलाके में 30 से 40 लोग पीएमजीपी कॉलोनी में घुस गए और वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगे। इनके हाथों में डंडे और तलवारें थीं। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। उपद्रवियों ने कई ऑटो रिक्शा में भी तोड़फोड़ की है। अचानक हुए इस हमले के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। इस हमले के बाद अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। हालांकि सूचना मिलने पर कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। इलाके में एडिशनल लेवल के अधिकारी भी मौजूद हैं। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महादेव पी कोलो ने बताया कि घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो और मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं। उन्होंने लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने को कहा है। हालांकि पुलिस इस संबंध में आज एक आधिकारिक बयान जारी कर सकती है। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने भी देर रात तक हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर उन्हें शांत कराया। इसके बाद पूरी रात मुंबई पुलिस के जवान इलाके में गश्त करते रहे। कितने बजे हुआ था? ये करीब 9:30-9:30 के बीच में हुआ है। अच्छा, कितने लोग थे, कौन लोग? अरे 200 से ऊपर लोग थे भाई। अच्छा, मैंने क्या हुआ था बेसिकली यहाँ पे? हम लोग तो अवतार करके अपने अपने घर में थे भाई जी। अब वो लोग नारा लगाते हुए गाड़ी को तोड़ते फोड़ते देख रहे ना, नुकसान करते हुए चले गए। अच्छा, मैंने इफ्तार के वक्त आए कुछ लोग और नारा लगाते। हाँ, पूरा हुजम बांध के बाइक से आए, ले गाली बकते हुए नारा लगाते हुए सीधे चले गए। जो सामान जो रास्ते में पाया सबको तोड़ते हुए गया, देखो तलवार मारते हुए। तो उसके पहले यहाँ पर किसी बात को लेकर कोई लफड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके कुछ वक्त पहले इफ्तार पार्टी हुई है, हम लोग इफ्तार किया यहाँ पे आज। क्या कह रहे थे, क्या कुछ वो लोग कह रहे थे भी? कुछ कह रहे साहब घर में थे, हम तो नीचे थे नहीं जो सुनेंगे उसकी। जी, जो खिड़की में जो सुना वही नारा लगा के जाते हुए तोड़ फोड़ते हुए गया है। अच्छा, कार्रवाई अभी चालू है। 11:45 के बीच में कुछ घटना है, वो कुछ बच्चे आए थे 15-20 लड़के, फिलहाल यही मालूम है। आके उन्होंने गाड़ी से लाठी से बम्बू से गाड़ी की तोड़फोड़ की है। अभी उनका फिरत के लिए हम लेके गए, उसकी फिरत का काम चालू है, फाइल दर्ज करने का काम चालू है। सर कितने लोग थे सर वो लगभग, और कितनी गाड़ियों को इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया? अभी गाड़ियां तो अभी फिलहाल तो 10-15 बिक रही है, लेकिन जो पंचनामा होगा उसके बाद तो क्लियर हो जाएंगी एग्जैक्ट कितना गाड़ी। सर आरोपी नाम निष्पन्न है अभी तक, उनको वजह क्या है वजह कुछ अभी उसमें पता नहीं, क्योंकि अभी तो इधर ही बैठे हैं, बाकी काम चालू उधर भी, अभी वजह इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। तो माहौल क्या फिलहाल अभी माहौल अंडर कंट्रोल अभी इधर देख रहे हैं सर। सर क्या आवन, क्या आह्वान करेंगे लोगों से? लोगों से आह्वान यही करेंगे, ये कुछ भी इतना अब इस माहौल को इतना भी कोई बच्चे लोग भी कुछ थोड़ा तोड़फोड़ की वजह से गलतफहमी से झगड़ा जो भी हुआ घटना हुई है, तो उसमें ज़्यादा बड़ी बात मीन्स माहौल खराब हो ऐसी कुछ बातें ना फैलाई जाए। इन्वेस्टिगेशन चालू है हमारा, FIR दर्ज के बाद जो भी कार्रवाई उचित हम करेंगे, जो भी उसका जिम्मेदार है उसको हम अरेस्ट करेंगे और खुद आगे की कार्रवाई हम करेंगे। सर कुछ लोग डिटेन भी किया है इसमें, सर कुछ लोग डिटेन भी किया है समुदाय के बीच का? अभी तो फिलहाल तो इनिशिएशन चालू है, कि एग्जैक्ट समुदाय के बीच में है क्या वो बात की बात है, तो फिलहाल इनिशिएशन चालू है, चौकीशी चालू है। सर मनोज पाठक ने भी जो है ट्वीट किया है इस मुद्दे को लेकर के, अभी वो तो पता नहीं। सर मराठी घूम उड़ती है ना पंछी, ये तो सर मराठी मेरा ओपिनियन है, सॉल्यूशन ला रही है कि नहीं तो सर उनके बारे में क्या कहना है? हिंदी के मतलब सॉल्यूशन यानी से जो है कार्रवाई अच्छे से हो रही है? कार्रवाई अभी जो भी होगी आपको कल पता ही जाएगा जिस कार्रवाई करें। सर इस तो अभी तो फिलहाल तो माहौल शांत कर रहे हैं यहाँ का जो भी पब्लिक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, और दूसरी बात है कि FIR 10 का काम चौकी में चालू है। यस सर, हम लोग स्पॉट पे है। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।